एटी न्यूज चैनल अब नेट विजन केबल नेटवर्क पर 707 नंबर पर उपलब्ध। नमस्कार, मैं दीदी डोगरा और आप देख रहे हैं प्राइम एटी न्यूज चैनल। आपने टॉयलेट मूवी तो अवश्य देखी ही होगी। ऐसा ही मामला ब्लॉक खंडौली के सेमला का है, जहां इज्जतदार न होने की वजह से महिलाओं ने अपने ससुराल को छोड़कर के मायके चली गई। जहां पर 20 से भी ज्यादा अधिक परिवारों में इज्जत करना हुए पाए गए हैं, हमारी प्राइम एटी न्यूज की टीम घर घर जाकर के मुआयना किया है। उसे पता चला कि नेताओं ने काफी वायदे किए, लेकिन वो सारे वायदे साबित हुए हैं। कई महिलाएं ससुराल में शौचालय नहीं होने के कारण अपने ससुराल छोड़कर मायके चली गईं। ब्लॉक खंडौली क्षेत्र के गांव सेमरा में हर घर में प्राइम एटी न्यूज की टीम में शौचालय योजना का रिजल्ट चेक किया गया। सेमरा गांव में शौचालय न होने से लोग परेशान हैं। गांव के पायजब बाली बस्ती में करीब 20 परिवार के पास शौचालय नहीं है। लोगों का कहना है कि चुनाव से पहले सफेद कुर्ता पजामा वाले नेता वादा कर देते हैं, लेकिन चुनाव जीत जाने के बाद उन्हें ये बस्ती याद नहीं रहती। देश में स्वच्छ भारत मिशन के तहत शहर के लेकर गांव तक को खुले में शौच मुक्त कराने की योजना केंद्र सरकार ने चलाई, जिसका असर भी हो रहा था। कहने को तो सेमरा के इस बस्ती के घरों में फ्रिज है, कूलर है, टीवी है, पर एक भी घर में शौचालय नहीं, क्योंकि फार्म तो भर दिए जाते हैं लेकिन अभी किसी के शौचालय नहीं आए हैं। महिलाओं ने बताया कि अगर हम खुले में शौच करने जाते हैं तो खेतों के पास किसानों ने कटीले तार लगा रखे हैं। किसानों के खेत में शौच करने के लिए जाते हैं तो किसान हमको भद्दी भद्दी गालियां भी देते हैं और हमें अपनी जान को भी खतरा है। समस्या ये है, यहाँ पे लैट्रिन करने के लिए भी जगह नहीं है, शौचालय के लिए हमने कई बार फॉर्म भर दिए गए हैं, उनकी कोई सुनवाई नहीं हो रही, और यहाँ पे बहुत सारा काफ़ी पानी भी भरा हुआ है और उसकी भी कोई समस्या नहीं है। चारों तरफ की सारी बुकरें खल गई, नाका तो लंबा ही नहीं आया अभी। नहीं, किसी को आपने लिखित में किसी अधिकारी को या फिर ब्लॉक में गए थे, प्रधान के पास गए थे, लैटिंग के लिए तो बहुत सारे कई दफे फार्म भरते हैं। जो आपकी बस्ती है कितने लोगों की होगी, कितने लोगों के फॉर्म यानी पास हो गए शौचालय आ चुके हैं? एक यहाँ पे तो किसी के नहीं आए, एक जने के आए बस, और किसी के नहीं आए। कितने घर लगभग 40-50 घर? हाँ, जब नेता लोग वोट मांगने के लिए आते थे आपसे क्या बोलते थे? ये कहते थे हम ये कर देंगे वो कर देंगे, और जब अच्छी सुविधा होगी, और जब सुविधा जब जीतने के बाद कोई सुविधा नहीं है, ना कोई पानी की समस्या हल हुई और ना किसी भी चीज़ की हल हुई नहीं है। पैसे उन लोगों को मिल गए वोट के, बस आराम से बैठ गए। अगले चुनाव के लिए आप क्या मतलब? कुछ नहीं उठाएंगे, जब हमारे लिए कुछ नहीं होगा तो हम देंगे नहीं चुनाव, अपना वोट हम किसी को नहीं देंगे, हमारे लिए कुछ हो नहीं रहा। क्या नाम है तुम्हारा? कहाँ की रहने वाली हो? क्या बस क्या समस्या है आपकी? समस्या है हमारे शौचालय नाम, शौचालय की हमें परेशानी है, खेतों में जाए तो लैटरिन करना देते हैं, गाली देते हैं, तार लग रहे हैं, कहाँ जाने, पानी भरा हुआ है। आपने क्षेत्रीय विधायक से या प्रधान से या किसी अधिकारी से लिखित में दिया? सब जगह डोले आए हैं, कागज है, तुम्हारे जहाँ में ब्लॉक में डोले आए, प्रधान थे, हमने कही है। आपको क्या आश्वासन दे दिया जाता है? अब हमारे शौचालय बनाई चाहिए, पानी की व्यवस्था है, पानी। प्राइम एटी न्यूज के लिए आगरा से जितेंद्र कुशवाहा की रिपोर्ट।